राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी और लू का दौर यहां पे जारी है। दिन भर चिलचिलाती धूप से दिल्लीवासी परेशान हैं। हालांकि हवा की दिशा बदलने से आंशिक राहत भी महसूस की गई है। कमोबेश सभी जगह के तापमान में भी मामूली कमी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से अगले कुछ दिनों तक हल्की राहत बनी रह सकती है। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। बृहस्पतिवार को सूरज की तपिश शुरू हो गई है और ये असहनीय है। दिन चढ़ने के साथ ही सड़कों पर झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की जा रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शाम के वक्त बादल छाए रहे, धूल भरी तेज आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 59 से 13% रहा। 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नरेला दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं लू चल सकती है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने, गर्जन वाले बादल बनने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। IMD की माने तो NCR सहित उत्तर में जारी भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुक्रवार से कुछ कम होने लगेगा। अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञानी महेश पलावत के अनुसार हवा की दिशा बदलने से उसमें ठंडक है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं भी चल रही है, इससे बादल बनने और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।